आप देख रहे हैं चेन्नई लाइव, हर खबर के साथ आज की खास खबर। बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ मुंबई, भिमंडी और मुंबरा में एफआईआर हुआ दर्ज। राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा इस्लाम के संस्थापक हजरत मोहम्मद पैगंबर के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने से आहत मुंबरा में राष्ट्रवादी जुआ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग करते हुए किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। और हम लोग यही चाहते हैं कि नुपुर शर्मा के खिलाफ एक्शन लिया जाए, उनको इंटरोगेट किया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि गुस्ताखी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हम कोई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनके पास कुछ मतलब, और महाराष्ट्र सरकार से हमारी ये विनती है, रिक्वेस्ट है कि वो कोई ऐसा कानून लाए जिससे ऐसे रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट करने वाले जो लोग हैं, ऐसे बड़े बड़े स्टेटमेंट ना दे जिससे भारत देश में अशांति फैले या माहौल खराब हो। उनके ऊपर अगर कोई ऐसे वाहियात कमेंट्स करता है या टिप्पणी करता है या किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की कोशिश करता है, माहौल खराब करने की, तो उन पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, ऐसा एक रूल बनना चाहिए ताकि हर धर्म के लोग यहाँ पर सेफ फील कर सके भारत में और उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील। यह विरोध प्रदर्शन गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र दावाड और शहर अध्यक्ष आनंद प्रांजप्पे के मार्गदर्शन में कलवा मुंबरा जुआ अध्यक्ष व पूर्व विरोधी पक्ष नेता अशरफ सानू पठान के नेतृत्व में दारुल फलाह मस्जिद के सामने रास्ता रोको आंदोलन किया गया। आगे देखिए मुंबरा से सारा पुरी की रिपोर्ट। एक ऑर्डिनेट बिल लाया जाए जिसमें कोई भी धर्म के खिलाफ, कोई भी महात्मा, कोई भी संत गुरु, किसी भी धर्म के महापुरुषों के खिलाफ कोई भी कुछ बोलता है तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दो दिन पहले टाइम्स नाउ के इंटरव्यू में नुपुर शर्मा ने गलत टिप्पणी की जो मैं खुद भी नहीं बोल सकता हूँ। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शांति का पैगाम है इस दुनिया के लिए, उनके खिलाफ हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी जान भी चले जाए लेकिन हम प्रॉफिट के बारे में शान में गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त कर सकते। इसका और उसके साथ ही हम कोई भी किसी भी धर्म के खिलाफ कोई गलत टिप्पणी नहीं करते तो हमारा उस पर भी निषेध है। इसीलिए हम जो महाराष्ट्र में एफआईआर दाखिल हुए नुपुर शर्मा के खिलाफ, उनको तुरंत गिरफ्तार करा जाए, ऐसी मांगनी है। एक ऑर्डिनेट बिल लाया जाए कि कोई भी किसी के खिलाफ, कोई भी कोई धर्मगुरु के खिलाफ, कोई किसी के महापुरुषों के खिलाफ, कोई पैगंबर के खिलाफ कोई गलत टिप्पणी करे, इसको सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसी ही मांगनी करके हमने आज आंदोलन किया। और सदा, यही 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 सदा, यही